इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे। अबे ठीक है, काम ने अटैक किया और रिजवान ने नहीं खेली है, लेकिन रिजवान का क्या है ना, रिजवान की जो ऑनसाइड की गेम है, जो यहां से लेके यहां तक ताल रख के मारते हैं, आप देखिए वो मारते ही रहे थे। 73 बॉल्स पे 86 नॉट आउट, आई थिंक दिस गाय डिजर्व्स एन अप्लॉज बिकॉज़ उस टाइम पर इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। पाकिस्तान एशिया कप से बाहर तो हो गया, लेकिन कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऐसी थी जिसकी भारतीय साफे भी अब खुलकर तारीफें कर रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त मोहम्मद रिजवान और इफ्तिहार अहमद की वो पार्टनरशिप है जिसने पाकिस्तान की बैटिंग को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आज की इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि पाकिस्तान मैच तो हार गया, लेकिन फिर भी भारतीय साफी पाकिस्तान की किस तरह तारीफें कर रहे हैं, आइए आपको वीडियो में दिखाते हैं। अबे ठीक है, काम ने अटैक किया और रिजवान ने नहीं खेली है, लेकिन रिजवान का क्या है ना, रिजवान की जो ऑनसाइड की गेम है, जो यहां से लेके यहां तक ताल रख के मारते हैं, आप देखिए वो मारते ही रहे थे। और इवन जब सेट आते तो फिर वो थोड़ा ऑफसाइड पर भी बेहतर आते हैं। अब वही है सर, हम लोग तो बात करते हैं इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार की चर्चे। जी हाँ, यही लाइन रहने वाली है इस मैच एनालिसिस को लेकर, क्योंकि वो पाकिस्तान जो एशिया कप 2023 में फेवरेट बनकर उतरा था, वो पाकिस्तान जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतर गेंदबाज थे, वो पाकिस्तान जिसका ओडीआई में नंबर वन बल्लेबाज है, वो पाकिस्तान जिसके टॉप फाइव में तीन बल्लेबाज ओडीआई में थे एशिया कप शुरू होने से पहले, वो पाकिस्तान ना आज नंबर वन टीम है, ना उसके वो गेंदबाज फिट है, ना उसके बल्लेबाज जो टॉप फाइव में थे उनमें से तीनों की कंसिस्टेंसी को लेकर क्वेश्चन खड़े हो गए हैं, और ना वो पाकिस्तान एशिया कप में फाइनल खेलने वाली है। एक डिसअपॉइंटमेंट है क्रिकेट फैंस के लिहाज से इंडिया पाकिस्तान फाइनल ना देख पाना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हम देखने को बेकरार थे। इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच होता तो शायद मजा आता, लेकिन एक क्रिकेट फैन होने के नाते ये मैच रोमांचक रहा, क्योंकि श्रीलंका ने जो दमखम दिखाया उसके लिए श्रीलंका की तारीफ बनती है। कमाल की बल्लेबाजी जो है वो चाहे मेंडिस हो या श्रीलंका हो या समर विक्रमा हो, पाकिस्तान विल गो बैक होम, पाकिस्तान अब घर जाएगा वर्ल्ड कप के सवाल लेकर, जो 10 दिन पहले 8 दिन पहले 6 दिन पहले लग रहा था ये हमारे साथ कॉन्टिनेंट की सबसे वेल सेटल्ड टीम है, उसके बाद शायद बहुत अच्छी बॉलिंग है, उसके बाद सेटल्ड यूनिट थी। अब सवाल ये ना कि नसीम शाह हारिस साहब को चोट लग गई, ठीक है बॉलिंग कमजोर हो गई, आपको चेंजेस करने पड़ गए, आपके ओपनर एक स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरे ओपनर को आप बैक स्पैनर हो गए, तो सवाल तो इनके पास आ गए। पता नहीं नसीम शाह वर्ल्ड कप के लिए क्या फिट होंगे नहीं होंगे, हारिस साहब का क्या होने होगा, बट एक बात दुनिया को चली गई ना यार, पार प्ले में इनको विकेट ना दो, इनके पास तो बीच में कुछ है ही नहीं विकेट लेने वाला, गैप में चौके मारे ना, गैप में चौके मारे। और ये मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज श्रीलंका ने जो लाइटली लिया, जिस तरीके से शनाका की कप्तानी भी बार बार मधुसूदन को दिए जा रहे हैं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट नॉक बाय मोहम्मद रिजवान, अमेजिंग नॉक बाय मोहम्मद रिजवान एंड इवन इफ्तिकार अहमद व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप ये देखिए वनडे इंटरनेशनल में 5 विकेट डाउन 117 की स्ट्राइक रेट, 2 छक्के और 6 चौके, 73 बॉल्स पे 86 नॉट आउट, आई थिंक दिस गाय डिजर्व्स एन अप्लॉज बिकॉज़ उस टाइम पर समथिंग मिस हो रही है, पिच पे गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट केप फाइटिंग। आई हैव ऑलवेज सेड ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय इन द पाकिस्तान टीम। मैंने नेक्स्ट मैन को देखा था, पहले सबसे लंबी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जब सब चले जाते हैं फिर कीपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, फिर बॉल को पिच पे रख के मार रहे होते हैं, बॉलर भी चले जाते हैं, तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आज इनको फल मिला है उसका कि श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने इतना स्कोर बना लिया है।